Well, hello friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. But from Amar Ansari, aap sabhi logo ka Shah Rukh Khan ki film Jawan ke day number 15 ke advance booking and box office collection episode mein tahe dil se hardik swagat karta hu. Kya ho raha hai mera bhai? To bhaiya, हमको सुनने में आया कि हमसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक हो रहे हो. कल एक दिन चले गए तो भैया बहुत उदास हो गए आप लोग. वक्त वापस आ गया है, हम वापस आ चुके हैं भाई. तो गाइज, आज के एपिसोड में लेट्स डिस्कस कि एग्जैक्टली 15th डे पर भी जवान ने एडवांस बुकिंग का सिलसिला है उसको यहाँ पर जारी रखा है. इतना ही नहीं गाइज, 15 दिनों तक देखिए गाइज, एडवांस बुकिंग करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है. लेकिन व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑल टाइम ग्रॉसर, यानी कि हमारी हिंदी फिल्म इतिहास की सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म. ऐतिहासिक जर्नी है तो दिन भी ऐतिहासिक होंगे. एंड गाइज, बस अब इंतजार है फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे का. कल ऑब्वियसली विकी कौशल की फिल्म आ रही है, इसलिए शोज जो है वो थोड़े बहुत गिरेंगे. लेकिन डिस्पाइट दैट, द वीकेंड विल स्प्रिंग इन अनदर सरप्राइज फॉर शाहरुख खान जवान. फिर उसके अगले हफ्ते भी बहुत सारी छुट्टियां हैं. सो गाइज, फुकरे आने के बाद भी यहां पर जवान जो है अपनी जर्नी जो है आगे बरकरार रखेगा एंड और दो हफ्ते तक सॉलिड कमाई करता रहेगा. आज वो पहला दिन होगा शायद जहां पर जवान के कलेक्शन जो है वो 10 करोड़ के नीचे गिरे. लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, इट हैज बीन एन हिस्टोरिकल जर्नी फॉर शाहरुख खान जवान. इसी नोट पे आज का एपिसोड शुरू करते हैं. सो गाइस, जो कलेक्शन आया था यहां पर कल का, वो 12.90 करोड़ का था. तो अब दिस विल बी द फर्स्ट बिग ड्रॉप फॉर जवान. ठीक है, हमने देखा किस तरह से मंडे एंड ट्यूजडे इस फिल्म को सहारा मिला यहाँ पर छुट्टियों का. कई कई जगहों पर थी, कई कई जगहों पर नहीं थी. तो वेडनेसडे वो दिन था जहां पर एक प्रॉपर वॉकिंग डे से जवान का सामना हुआ. क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं 10-20% का ड्रॉप आएगा एंड ये फिल्म 10.5 करोड़ हिंदी वर्जन में कमाते हुए दिखाई दे रही है. यानी कि आज भी 10 करोड़ के नीचे कलेक्शन जो है नहीं आने वाले. तो पकड़ के चलिए 10.5 करोड़, तो इसके कलेक्शन जो है 14 डेज तक वो 457.59 प्लस 10.50 468.09 करोड़ पर होंगे. तो आज जो प्रोड्यूसर फिगर आएगा वो 468.09 करोड़ होगा. साउथ एक पकड़ के चल रहा हूं तो गाइस, साउथ के कलेक्शन 54.45 करोड़ होंगे. हम दोनों वर्जन मिला लूं तो 522.5 यानी कि 522.5 करोड़. भैया पठान खत्म हो गया, आपका समय समाप्त हो गया, हम आ गए भाई, जवान बन के आ गए. तो जवान और पठान को ओवरटेक करने वाले कैसे भी, 10.50 करोड़ हिंदी नेट प्लस 1 साउथ 11.50 बाय. इसका ग्रॉस जो होता है कहीं ना कहीं 13.6 होता है. उसके बाद 5 करोड़ ओवरसीज ले लूं, 18.6 करोड़ तो डेफिनेटली आने वाला है. एंड आज का जो वर्ल्ड वाइड पोस्टर है, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपको दिमाग में रखनी है वो कि इसका वर्ल्ड वाइड पोस्टर कितने का आएगा, वो होगा 926.14 करोड़ का. ऊपर नीचे होगा तो उसका इंतजार कीजिए आप लोग. ठीक है, अब बात करते हैं डे नंबर 15 के एडवांस बुकिंग की. हिंदी वर्जन 1.71 करोड़, 1.71 करोड़ की एडवांस बुकिंग हुई है. 82,510 टिकट्स आर स्टिल सोल्ड इन द एडवांस बुकिंग एंड 174 का एवरेज टिकट प्राइस. यार भैया देख लीजिए पेट भर के, कल फिर से वीकेंड आएगा, फिर से भाव बढ़ेंगे. ओके, एंड शोज 12,401 है, यानी कि 12,401 शोज है. भूलिए मत, हम लोग 15वें दिन पर है यहाँ पे फिल्म का सब कुछ खत्म हो जाता है. ओटीटी रिलीज डेट प्लान होती है, वहां पे फिल्म जो है 12,401 शोज लेकर चल रही है. तमिल वर्जन 6.25 लाख की एडवांस बुकिंग हुई है. आईमैक्स 3.3 लाख, 357 का एवरेज टिकट प्राइस है, 94 शोज है. तेलुगु वर्जन 12.2 लाख की एडवांस बुकिंग हुई है. 4DX 1.36 लाख की एडवांस बुकिंग हुई है, 73 शोज है. इसी के साथ डे नंबर 15 की जो एडवांस बुकिंग है टोटल वो है 1.96 करोड़, यानी कि 1.96 करोड़ की एंड 1,340 टिकटें जो है वो बिकी हुई है अभी भी एंड स्टिल 13,855 शोज की कमी इस फिल्म को कभी नहीं होने वाली. एंड आज के बाद से शोज की कमी का कोई बहाना भी नहीं देगा, क्योंकि हमने देखा किस तरह से शोज की कमी होने के कारण वर्ष भी गदर 2 ने क्या किया बॉक्स ऑफिस पे. इसलिए जितने भी शोज मिले आपको उसको फुल करना है, समझ में आ रहा है? तो शोज अभी भी कम नहीं है, बहुत ही सॉलिड शो काउंट है. एंड वीकेंड पे जो भी शो काउंट मिले डिस्पाइट विकी कौशल फिल्म, उसमें जवान डेफिनेटली कमाएगी. तो ऐसा लग रहा है कि फिल्म आज हिंदी वर्जन में पहली बार 10 करोड़ के नीचे गिर के 9 करोड़ कमाएगी. ओके, तो अगर 9 करोड़ कमाती है तो इसे कलेक्शन 477.09 करोड़ हो जाएंगे. हिंदी नेट
एंड संडे खत्म होते होते मंडे ये जो है वो 500 करोड़ क्लब का इनॉग्रेशन जो है वो कर देगा। डे नंबर 16, 17, 18, 18 दिनों में 500 करोड़ का नेट कलेक्शन शाहरुख खान के जवान जो है करते हुए दिखाई दे रही है। साउथ का पकड़िए, एक वापस से 55.45 करोड़, तो अगर मैं इंडिया नेट और साउथ का मिला दूं तो जवान 15 डेज में 532.5 करोड़, और भैया पठान आपको तोड़ने के लिए सिर्फ 10.48 करोड़ चाहिए भाई, कल ही आपका गेम बजा देंगे। तो आई थिंक फ्राइडे ही पठान का रिकॉर्ड जो है वो क्रैश हो जाएगा एंड ये फिल्म पठान को फ्लैट 16 दिन में तोड़ के चली जाएगी। ये किसी ने सोचा नहीं था, तो असंभव कर दिया भाई। तो ये असंभव होते हुए दिखाई दे रहा है। तो अब गाइस बात करते हैं डे वाइज की, तो ऑब्वियसली आज का प्रेडिक्शन 9 करोड़ का है। ओके, तो 9 करोड़ प्लस 1 10 करोड़, ग्रॉस होगा 12, ओवरसीज 4। आज भी ये 16 करोड़ कमाने की क्षमता रखती है यानी कल जो पोस्टर आएगा वो 938 से 939 करोड़ आएगा एंड आई थिंक और 60 प्लस करोड़ चाहिए इसको 1000 करोड़ में एंटर करने के लिए, जो हम डेफिनेटली मंडे देख रहे हैं। मंडे बड़े बड़े रिकॉर्ड टूटेंगे। नंबर वन, जवान एंटर द 1000 करोड़ क्लब। नंबर टू, जवान बीट्स द लाइफ टाइम कलेक्शन ऑफ शाहरुख खान पठान। नंबर थ्री, जवान एंटर्स द 500 करोड़ नेट क्लब। ओके, ओनली इन हिंदी वर्जन। ऐसा लग रहा है अब मेरा लाइफ टाइम प्रेडिक्शन सुन लो, क्योंकि अब हम एक सेफ पोजीशन में कहने के लिए कि जवान एग्जैक्टली लाइफ टाइम में कितना कमाएगा। देखिए हिंदी वर्जन जो है कहीं ना कहीं आराम से पठान का और गदर टू जहां तक पहुंचती है वो देखेंगे, उनका अलग अलग रेस में चल रहे हैं। तो 540 करोड़ रुपीज नेट, मुझे ऐसा लगता है कि पठान का जो हिंदी वर्जन है वो कहीं ना कहीं कमाते हुए दिखाई दे रहा है। ऑल लैंग्वेजेस 600 प्लस करोड़ तो क्रॉस कर ही रहेगा इस यहां पर, तो कोई टेंशन नहीं है। एंड वर्ल्ड वाइड आराम से ये फिल्म हंसते हंसते 1100 करोड़ तो मिनिमम आना है। सो गाइज, ये जो रिकॉर्ड्स बन रहे हैं ये इतने बड़े बने हैं कि भैया अगली फिल्म को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन डंकी आ रही है वो लंबी रेस का घोड़ा है। ओके, एंड डंकी के सामने कोई फिल्म आना मत, जब तक 12 संक्रांति नहीं आ रहा कोई आना मत, वेस्ट होगा, वेस्ट ऑफ टाइम होगा। वो पिक्चर 3-4 बार लोग देखेंगे, क्रिसमस पीरियड होगा, कुछ लोग सोच रहे कि 5 जनवरी को आ जाए या फिर डंकी के अगले हफ्ते, सुनने में 29 दिसंबर को कुछ फिल्म आना चाहती है। भैया एक ही एडवाइस रहेगी, पिसल दिए जाओगे, कुछ दिए जाओगे, एकदम थूर दिए जाओगे। ओके, तो यही सीन है। ओके, इवन 15 दिसंबर को जो फिल्म आ रही है ना, रिलैक्स, डंकी इज अ स्टॉर्म। डंकी के एडवांस भी तुम लोग देखना, राजू हिरानी का प्रोमो आएगा ना, राजू हिरानी की फिल्म कौन देखने जाता है? एवरी वन गोज इन फ्रॉम द क्लास टू द मास, समझ में आ रहा है? तो मास की तो बैकिंग होगी, जो एलिट मल्टीप्लेक्स ऑडियंसिस है ना, 800 रुपीज, 1000 रुपीज, हाई क्वालिटी, वो सब लोग भी भरेंगे थिएटर में जाकर। तो ये ध्यान रखना कि वो फिल्म क्या काबिलियत रखती है। तो भैया जवान के बारे में बात की, जवान के बारे में कितना बात करना है, 7 मिनट जवान के बारे में बात किया, ठीक है भाई, चलिए आपकी मर्जी, ऐसा करना कर लीजिए। गाइस, होप आज का एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया होगा। एपिसोड पसंद आया प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्मार्ट मैन अंसारी साइनिंग ऑफ, यू आर सी मी वेरी सून, टिल देन एज ऑलवेज सेफ।